हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? अरे क्या, कितने सारे डिवाइसेस रखोगे घर में यार? एक टेस्टर रखोगे, एक इंडक्टेंस रखोगे, तब जाके कुछ काम होगा? नहीं यार, दोनों फेंको। ये लो, ये है एक टेस्टर जो दोनों चीज़ों का काम करेगा, इंडक्टेंस का भी और नॉर्मल टेस्टर का भी। तो चलिए देखते हैं क्या है ये प्रोडक्ट और कैसा लगता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेस्टर की। टेस्टर तो आप सभी जानते होंगे, आपने बहुत पहले टेस्टर्स भी देखे होंगे, बहुत पुराने डिज़ाइन के टेस्टर देखे होंगे। सबसे पहले बता दूं, जो नहीं जानते हैं टेस्टर करता क्या है, दोस्तों टेस्टर बताता है कि किसी भी सॉकेट में किसी भी जगह पे करंट है कि नहीं, या फिर वोल्टेज है कि नहीं वहाँ पे, वो टेस्टर बताता है। तो पहले के जो टेस्टर आया करते थे वो तो मैनुअल मोड पे आया करते थे, उसमें भी अंदर जो है छोटा सा एक लाइट था, छोटा सा एक बल्ब हुआ करता था छोटा सा। और बिल्कुल आपने देखा ही होगा किस तरह के पहले वाले टेस्टर थे। लेकिन दोस्तों, आप आजकल जो टेस्टर आ रहे हैं वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं। उसमें से ये एक टेस्टर है, इसका नाम है टपारिया कंपनी का टेस्टर है। दोस्तों इसकी खास बात बात करें इसकी बॉडी की, इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो मुझे तो काफ़ी मजबूत लग रहा है, काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है मुझे। और कुछ इस तरीके का इसका डिज़ाइन है। इसमें बात करें क्या क्या चीज़ें, तो कुछ ये टपारिया की बैजिंग है और ये 12 to 250 वोल्ट लिखा हुआ है। एसी डीसी करंट मेजर कर सकता है। इसके बाद एक छोटी सी स्क्रीन है दोस्तों। इस स्क्रीन के बाद एक इंडक्टेंस ब्रेक पॉइंट टेस्ट दिया हुआ है यहाँ पे एक बटन में, और दूसरा है डायरेक्ट टेस्ट। ये दो बटन दी हुई है। तो जब आपको वोल्टेज मेजर करना है किसी भी सॉकेट में, तो आप इसको प्रेस करेंगे या टच करेंगे, जैसा भी है। टच करेंगे, प्रेस तो क्या होता है, टच करेंगे। और अगर आपको ये देखना है कि वहाँ पे करंट है कि नहीं, तो आप जो है ये इंडक्टेंस ब्रेक पॉइंट को टेस्ट टच करेंगे। अब बात ये आती है कि जहाँ पे वोल्टेज होता है वहाँ तो करंट तो होगा ही, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए वोल्टेज, अगर मान लीजिए कोई वायर है, अगर वो स्विच ऑफ भी है, अगर वो सॉकेट में जो प्लग लगा हुआ है अगर स्विच ऑफ भी है, तो भी आप पता लगा सकते हैं कि उस वो वायर कैसी है। मतलब वो वायर जो है कहीं बीच से ब्रेक तो नहीं है, कहीं बीच से टूटी हुई तो नहीं है। जनरली कभी कभी क्या होता है कि हमारी हमारी जो वायर होती है अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं से ब्रेक हो जाती है, और हमें पता नहीं चलता है कि वो अंदर से अंदर कहाँ से ब्रेक हुई है। तो ये वो जानने का ये बहुत एक अच्छा तरीका है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये है टेस्टर। अब हम क्या करेंगे इसको, उसको सबसे पहले हम इसमें यहाँ फैसा लगाएंगे। पहले हम देखते हैं इसका पावर प्लग है कि ऑन है क्या। देखिए ऑफ था, अभी ऑफ है। ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हमने इसको यहाँ पे लगाया, तो देखिए क्या आ रहा है। इसमें एक रीडिंग आ रही है 12 वोल्ट। आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन इसमें 12 वोल्ट रीडिंग आ रही है। अब देखिए, जैसे ही मैं इसको यहाँ टच करता हूँ, डायरेक्ट टच को जैसे टच करता हूँ, सबसे बड़ी जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 220 वोल्ट। मतलब इसमें जो दोस्तों करंट जा रहा है वो 220 वोल्ट का करंट है। अगर इससे कम वोल्ट होता कहीं पे, तो ये जो आपको रीडिंग दिख रही है, ये जो आपको यहाँ रीडिंग दिख रही है, ये वो रीडिंग कम हो जाती। तो अब एग्जैक्ट वोल्टेज भी जो है इसमें आप देख सकते हैं कितना वोल्टेज इस सॉकेट में या फिर इस डिवाइस में है। इसके बाद बात करें दूसरे वाले बटन की, तो एक बार टेस्ट करते हैं इसको भी। देखिए अभी जो है, अभी ये देखिए, इसमें ऐसा है कि अभी बटन ऑन है तो करंट तो होगा ही, तो करंट की वैल्यू तो नहीं बताई गई है। लेकिन हाँ, लेकिन अगर जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये एक रीडिंग आ रही है, और एक साइड में एक छोटा सा लोगो बना हुआ है करंट का, तो वो करंट भी मतलब इसमें है। लेकिन अब इसकी जो खास बात है मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज ये सॉकेट है, इसके देखिए पावर ऑन है, और अब जो है मुझे ये जो है ये जो सॉकेट जिस चीज़ का भी है, अगर मान लीजिए वो चीज़ काम नहीं कर रही है, वो डिवाइस काम नहीं कर रहा है, अब मुझे जानना है कि ये सॉकेट बीच में से कहाँ से ब्रेक हो गई है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस डिवाइस को पास में लाऊंगा, और पास में लाने के बाद देखिए दोस्तों, आपको एक ऐसा एरो टाइप का एक निशान दिख रहा होगा, एरो निशान दिख रहा होगा, मतलब यहाँ तो करंट आ रहा है, यहाँ तक करंट आ रहा है। और आप इस इसको ऐसे ऐसे करते करते आप ले जाइए, और जहाँ पे करंट आ रहा बंद हो जाए,
जहाँ पे करंट आना बंद हो जाए दोस्तों, मतलब वहाँ पे जो है उसके वहाँ पे वो जो वायर जो है अंदर से ब्रेक है। तो अगर मैं इस बटन को मान लीजिए ऑफ कर देता हूँ और फिर देखता हूँ, तो दोस्तों देखिए इसमें अब कोई रीडिंग नहीं आ रही है। मतलब ये है कि अगर आपको जानना है कि ये ब्रेक कहाँ से है तो आपको इसको जो है ऑन करना ही पड़ेगा। ऑन करके आप जो है ऐसे जान सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि ये वायर, ये करंट जो है कहाँ तक जा रहा है, ये करंट कहाँ तक जा रहा है। तो ये जो है इस बटन का यूज़ है, इंडक्टेंस ब्रेक पॉइंट टेस्ट। तो ये एक अच्छा डिवाइस है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, घर में एक ऐसा होना चाहिए और एक अच्छा मजबूत डिवाइस है। टपारिया तो एक बहुत ही रिनोड कंपनी है इस फील्ड में। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेस करने के लिए लिंक दे दूंगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।